हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। आज के वीडियो में हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या चीज़ है। अब देखिए, स्थिर वैद्युत विभव क्या है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश क्यों है, अनंत पर कोई परीक्षण आवेश क्यों जीरो है। जब अनंत पर है तो उस पर कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं है, वो अनंत पर पहले से ही है तो कार्य जीरो हो रहा है, विभव भी जीरो हो रहा। अब इस परीक्षण आवेश क्यों जीरो को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले आ रहे हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको इस वैद्युत इस आवेश के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इस वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य मान लेते हैं W कार्य करना पड़ रहा, तो इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कार्य की हमने कार्य किया W अपान क्यू जीरो, जो कि इस परीक्षण आवेश का परिमाण है। ठीक, माना परीक्षण आवेश क्यू जीरो, माना परीक्षण आवेश क्यू जीरो को अनंत से वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है। तब बिंदु P पर विभव V बराबर कितना हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या, परीक्षण आवेश का परिमाण है। यदि क्यू जीरो इजकल टू 1 कूलम तब वी इजकल टू क्या हो जाएगा, W। यानी कहने का मतलब है यदि परीक्षण आवेश को हम मान लें कि 1 कूलम है, या उसी को लैंग्वेज के रूप में कैसे देखेंगे, ये देखें। अनंत से एकांक आवेश का मतलब उस आवेश का परिमाण जो है वो 1 कूलम है, ये चीज 1 कूलम। तो अनंत से एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही उस विभव के बराबर होगा। अब जब Q0 इजकल टू 1 कूलम है तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, V इजकल टू हो जाएगा W अपन क्यू नॉट, और दे रखा Q0 इजकल टू 1 कूलम, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, W बाई 1, यानी कि V इजकल टू W। उस आवेश को लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ेगा वह इस बिंदु पर विभव के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक V इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू। तो विभव का जो मात्रक होगा W का मात्रक बटे क्यू का मात्रक। तो W का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो V का मात्रक हो गया जूल पर कूलम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। अब MKS सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, देखिए MKS सिस्टम में जूल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड। फिर न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेक अपान सेकंड स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। कूलम का है एम्पियर इंटू सेकंड, इसको ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर -3 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा, एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। यह है MKS सिस्टम में इसका मात्रक। आगे देखते हैं विभव की बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है इसकी। विभव की बीमा क्या हो जाएगी, इसका मात्रक क्या था MKS सिस्टम में, किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी मास, मास का बीमा होता M, मीटर स्क्वायर था, मीटर की डायमेंशन होती L, यानी L स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स था, सेकेंड टाइम का होता है टी की पावर -3 एम्पियर ए की पावर -1, यह इसकी बीमा हो गई। अब एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, बी इजकल टू क्या होता,
डब्ल्यू अपान क्यू फार्मूला है। यदि क्यू बराबर एक कूलाम हम मान लें और किया गया कार्य भी एक जूल हो, तब बी बराबर क्या मिलेगा? एक वोल्ट। या हम कह सकते हैं अनंत से एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि एक जूल हो, यानी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो यदि कितना हो, एक जूल हो, तो उस बिंदु का विभव कितना होता है? एक वोल्ट होता है। तो उस बिंदु पर विभव एक वोल्ट होता है। ये एक वोल्ट की क्या परिभाषा है, इसको हम जो एक दो नंबर में पूछा जाता है, शार्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या चीज़ है। जैसा कि वैद्युत विभवांतर, विभव अंतर यानी वैद्युत दो बिंदुओं पर विभव के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश क्यू है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जनरेट है। कोई परीक्षण आवेश क्यू जीरो जो है वो अनंत पर है, तो इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो को हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट पी तक ला रहे हैं। तो इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना मान ले रहे हैं, डब्ल्यू पी। तो इस पॉइंट पी पर विभव बी पी इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू पी अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू पी अपान क्यू नॉट। इस परीक्षण आवेश को और पास ले आ रहे हैं बिंदु क्यू पर, तो बिंदु क्यू पर लाने के लिए हमको डब्ल्यू क्यू कार्य करना पड़ रहा है। तब इस पॉइंट या इस बिंदु क्यू पर विभव कितना हो जाएगा, वी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू क्यू अपान क्यू नॉट या क्यू जीरो। वही चीज बिंदु पी पर विभव इतना, बिंदु क्यू पर विभव इतना, चूंकि बी क्यू बिंदु क्यू पर विभव जो है वो बिंदु पी के अपेक्षा अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कम कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें और अधिक कार्य करना पड़ रहा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी पॉइंट को हमें इतनी दूर पहुँचाना है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है, और ऊपर से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगेंस्ट भी हमको कार्य करना पड़ रहा। यानी जितने इसके नज़दीक हम इस आवेश के नज़दीक आएंगे उतना ही विभव का मान अधिक होगा, जितने इससे दूर रहेंगे विभव का मान उतना ही कम है। तो क्लियर है कि बी क्यू क्या, बिंदु क्यू पर विभव का मान बिंदु पी से विभव के मान से ज़्यादा है, तब बिंदु पी तथा क्यू के विभव का अंतर अर्थात पी तथा क्यू के बीच विभवांतर, पी तथा क्यू के बीच विभवांतर कितना हो गया, बिंदु पी तथा क्यू के बीच विभवांतर। तो क्यू के विभव में से पी, बिंदु क्यू के विभव में से बिंदु पी का विभव क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो बिंदु क्यू का विभव कितना हो जाएगा, डब्ल्यू क्यू बाई क्यू नॉट माइनस बिंदु पी का विभव डब्ल्यू पी अपान क्यू नॉट। हर दोनों का समान है तो अंश आपस में घट जाएगा, तो डब्ल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू पी अपान क्यू नॉट हो गया। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, इसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, इसी को क्या लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू ना। तो डेल्टा बी इजकल टू हमको फाइनली क्या मिला, डेल्टा बी इजकल टू मिला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू जीरो। ये होता है विभवांतर का फार्मूला, यानी किए गए कार्य के बीच किए गए कार्य को हम माइनस कर लेंगे और परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो उनके बीच विभवांतर आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकल बिंदु आवेश, यानी कहीं पर कोई एक बिंदु आवेश, कोई किसी एक आवेश क्यू हो, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, उसके कारण वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं या उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की विभव कैसे निकालते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।